सलमान खान सीक्स कंटेम्प्ट एक्शन अगेंस्ट केआरके। हिंदी में कहूं तो सलमान खान ने डिफेमेशन केस के बाद एक और केस कर दिया है, वो है कि कंटेम्प्ट अगेंस्ट, यानी कि मतलब कहने का मतलब ये है कि कोर्ट में जब बयानबाजी हुई थी तो मनोज गडकरी जो वकील है केआरके ने, उन्होंने साफ कहा था अपने क्लाइंट केआरके की तरफ से कोर्ट को कि हमारा क्लाइंट इसके बाद सलमान खान के बारे में कोई ट्वीट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या कोई वीडियो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं बनाएगा। इसके बावजूद केआरके ने न केवल डीएसके लीगल या फिर ऐसे वीडियोज बनाए, या इसके अलावा उन्होंने कई सारे ट्वीट्स भी लिखे और इनडायरेक्टली सलमान खान गुंडा भाई ये वो ऐसा वैसा कुछ भी अभी तक कहते नजर आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, यानी कि ये बहुत ही संगीन आरोप है, क्योंकि जब मामला कोर्ट में है तो आप क्यों जज बन रहे हो। सही है, लेट द कोर्ट डिसाइड द मैटर ना, आप सच्चे हो तो लेट द कोर्ट डिसाइड व्हाट इज राइट और रॉन्ग, हु द हेल आर यू सेइंग दिस एंड दैट शिट, दिस इज टोटली बुलशिट एक्चुअली। तो कुल मिला के साफ है कि सलमान खान और केआरके के मसले पर फिलहाल सलमान खान के लॉयर की तरफ से, यानी कि कहा जाए सलमान खान की तरफ से एक और अपील की गई कोर्ट में, रिस्ट्रेन कहीं ना कहीं ऑर्डर, यानी फिर कंटेम्प्ट रिस्ट्रेन ऑर्डर, यानी कि इसके बाद एक ट्वीट भी केआरके सलमान खान के खिलाफ ना करे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी कि जो अभी भी वो ट्वीट कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली करके कुछ तो कर ही रहा है ना अभी भी, वो पूरी तरह से बंद कर दे। और अगर पूरी तरह से वो बंद नहीं करता है तो ये केस में लंबा फंसेगा केआरके, ये आप मान के चलो, यानी कि केआरके वर्सेस सलमान खान की जो कंट्रोवर्सी है वो आज नहीं तो कल खत्म होनी ही होनी है, और केआरके को अपने हाथ पीछे घसीटने पड़ेंगे, क्योंकि कल ही केआरके ने ये भी कहा कि सलमान खान को एक्टिंग का ए नहीं आता है, मैंने इसका कैरियर खत्म कर दिया है और ब्ला 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 ब्ला। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 11 जून को अब आने वाली हियरिंग है, और बहुत दिन से मुझे लग रहा था क्या ये किस ठंडा पड़ गया, क्या सलमान खान पीछे हट गए, या केआरके इस पे ज्यादा कुछ कह क्यों नहीं रहे। तो लेकिन आपको बता दूं इस केस में अपडेट ये है कि सलमान खान ने एक और ऑर्डर कोर्ट में पेश किया, एक और अपील की है कि सलमान खान की तरफ से कि केआरके उनके बारे में एक भी ट्वीट या कुछ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना करे, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और ये हुआ है ऑफिशियली, ये मंडे की बात है एक्चुअली, इसी मंडे, तो यानी 7 तारीख की। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यार के तू तो बुरा फंसा, और सलमान खान तुझे अब नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तूने एक नहीं तो नहीं कई सालों से तूने सलमान खान के बारे में बुरा कर करके, बुरा कह कह के, दद्दू जी ये वो ऐसा वैसा कर करके तूने बहुत नोट छापे, बहुत बहुत बेइज्जती करके सलमान खान नोट छापे, अब तेरी बारी है, क्योंकि मिका सिंह कहते हैं कुत्ता 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 कुत्ता। चलिए फिलहाल के इतना ही, बाय।